नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं, वो है बेबीज में गैस की, यानी जो नवजात शिशु होते हैं, जो 6 महीने तक होते हैं, पेरेंट्स अक्सर हमारे पास लेकर के आते हैं कि जी इसको गैस बन रही है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि गैस क्या चीज होती है और ये किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं अगर बाय चांस बच्चे को कोई इस तरह की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। देखिए, बच्चा जो है जब तक 6 महीने का नहीं होता, वो लार्जली मिल्क फीड्स पे होता है और ये दूध जो है उसको हर 2-3 घंटे में पचा करके आगे निकालना होता है। आंतों को चलाते रहना पड़ता है और उसकी पॉटी बना बना के बाहर उसको निकालना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब बच्चा जल्दी जल्दी चीजों को पचा रहा है तो जो क्वांटिटी है पॉटी की या जो गैस जो पेट में बनेगी, क्योंकि वो गैस जो होता है वो खाने का पीने का एक बाय प्रोडक्ट होता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक तो स्टूल बनता है, इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं जो रिलीज होती हैं उसी मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है उसके चलते। तो ये गैसेस जो है ये भी पॉटी के साथ बीच बीच में बच्चा जो है वो निकालता रहता है। पेरेंट्स हमारे पास आकर के कहते हैं, मैडम जी इसको गैस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। देखिए, जब गैस बनती है और बाहर निकलती रहती है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। बच्चा आराम से पॉटी कर रहा है, आराम से गैस बाहर निकाल रहा है, तो ये गैस प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चे को हमारे देश में गैस प्रॉब्लम लेबल कर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बात पे फोकस करें कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज काम करता है, हर 2-3 घंटे में फीड्स पचा करके वो रेडी हो जाता है अगली फीड के लिए, जल्दी जल्दी पॉटी निकालता रहता है बच्चा और जल्दी जल्दी गैस भी निकालता रहता है। अब गैस प्रॉब्लम क्या होती है? गैस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गैस कोई परेशानी कर रही है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, 10-15 मिनट से ज्यादा लगातार बच्चा रो रहा है, उसका पेट टाइट है, इसके अलावा अगर बच्चा दोनों टांगे ऐसे पेट के ऊपर यूं इस तरह से करके जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो उस समय पे जब बच्चे के रोने के एपिसोड्स हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को गैस से दिक्कत हो रही हो सकती है। तो पेरेंट्स जो है वो सिर्फ बच्चा जो है ऐसे ऐसे कर रहा है और अंगड़ाइयां ले रहा है और शरीर को तोड़ रहा है, हर चीज को हमारे देश में जो है गैस प्रॉब्लम से लेबल कर दिया जाता है। तो इस तरह के पिटफॉल्स में नहीं आप पड़िए। आप इस बात को देखिए कि बच्चा आराम से है, कंफर्टेबल है, अगर थोड़ा बहुत वो अंगड़ाई लेता है तो वो उसके शरीर की एक्सरसाइज होती है। बच्चा सारा दिन लुंच नहीं पड़ा रह सकता और अंगड़ाई लेना कोई गैस होने का साइन नहीं है। तो बच्चा जब तक बहुत जोर जोर से रो करके चिल्ला करके नहीं आपको ये साइन दे रहा, और वो भी 2-4 मिनट, बच्चा जैसे भूख लगी है तो भी रोएगा, बच्चे ने पॉटी सुसु कर दिया, उसका डायपर गीला है तो भी रोएगा, तो हर बार रोना जो है वो गैस को आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत क्लियरली डॉक्टर से अपने बात करिए कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपने इस गैस प्रॉब्लम को टैकल करना है। अब अगर आपके बच्चे को वाकई में इस तरह के सिम्टम्स हैं कि बच्चा 10-15 मिनट डेली काफ़ी रोता है और बच्चा को स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा बच्चे का पेट काफ़ी फूला हुआ है, पेरेंट्स हमसे ये भी कहते हैं मैडम इसका दूध पीने के बाद पेट टाइट हो जाता है, अरे छोटा सा पेट है उसका, उसमें उतनी सारी आंतें जो हैं वो पैक की गई हैं, उसी में पॉटी है, उसी में गैस है, उसी में आप दूध लगातार हर 2-3 घंटे पे डाल रहे हैं, तो इतने से पेट में थोड़ा टाइटनेस तो आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को गैस बन रही है, इसका ये मतलब है कि उसका डाइजेशन धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है और थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, बच्चा पॉटी पास कर लेगा या गैस पास कर देगा, तो धीरे धीरे वो पेट जो टाइट है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब अगली फीड बच्चा लेगा तो फिर थोड़ी देर के लिए उसका पेट टाइट हो जाएगा। तो ये गैस प्रॉब्लम का इंडिकेटर नहीं है। अब अगर बच्चे को आपके गैस प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि गैस प्रॉब्लम एक इन्फेंट कोलिक होता है, उससे रिलेटेड होती है। तो इन्फेंट कोलिक में बच्चों को, जो बच्चे लेस देन 2-3 मंथ्स होते हैं, उनमें अक्सर ही लगातार पहले हफ्ते के बाद बच्चे शाम को बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और दूध नहीं पीते उस टाइम पे, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं और बहुत रोते रहते हैं 15-20 मिनट लगातार, आप कोई भी तरीका अपनाएं उससे चुप नहीं होते, तो इसको इन्फेंट कोलिक कहते हैं। कभी कभी माओं को कुछ एंटीबायोटिक वगैरह चलते हैं, उसके चलते बच्चे के पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो, उनकी थोड़ा सा कमी आ जाती है, तो उसके चलते भी बच्चे के पेट में थोड़ा बहुत दर्द या गैस का फंसना ये सब हो सकता है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको छोटी मोटी रेमेडीज बताएंगे और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। लेकिन आप
अपने घर पे अगर आप रात में फंसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारी ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं, लोग पानी बना करके हींग का वो लगाते हैं, नाभि पे थोड़ा बहुत चटा देते हैं नाभि का वो हींग का पानी, तो इस तरह से, और ऐसी मार्केट में भी इस तरह की मेडिसन्स हैं जिनको हर्बल मेडिसन्स या आयुर्वेदिक मेडिसन्स आप कह सकते हैं, जिसमें कि सौंफ का पानी, अजवाइन का तेल, सौंफ का तेल या हींग के कुछ एक्सट्रैक्ट इस तरह से निकाल के वो ड्रॉप्स बनाई गई हैं, जिनसे कि पिलाते ही बच्चे को काफ़ी आराम हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, गैस की तमाम मेडिसिन्स मार्केट में हैं और डॉक्टर्स भी, और घर पे जो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं वो आप हींग का पानी बना करके एक चम्मच में थोड़ी सी एक दाना हींग को घोल लें, उसको हल्का सा वार्म कर लें, और जब वो दाना बिल्कुल घुल जाए तो आप एक दो ड्रॉप उसको पिला सकते हैं, जो कि नानी माँ के नुस्खे होते हैं उस तरह का आप कर सकते हैं, और ये काफ़ी कारगर भी होता है। इसके अलावा एक दो टेक्निक्स होती हैं जिससे आप गैस बच्चे का निकाल सकते हैं। आप उसके दोनों पाँव ऐसे पेट पे मोड़ करके, जो उसका पॉटी का एरिया है उसको सामने से आप इस तरह से ऐसे जब खोलेंगे तो धीरे धीरे करके बच्चा ऐसे करके हल्का सा पेट पे मालिश करें उसकी, ऐसे पेट को दबा करके इस तरह से ऐसे करके नीचे की तरफ को गोल गोल घुमा के ऐसे करके आप जब मालिश करेंगे और दोनों पांव उसके ऐसे ऊपर हवा में करके और पॉटी के एरिया को इस तरह से ऐसे स्ट्रेच करके खोलेंगे तो धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो गैस पास कर लेगा। तो ये कोई बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं है, हर बच्चा जो है इस स्टेज के थ्रू गुजरता है, इन्फेंट को ले काफ़ी बच्चों को होता है गैस, काफ़ी बच्चों को बनती है, लेकिन गैस बनना और गैस की परेशानी होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको अच्छे से क्लियरली आप मार्क करें कि आपका बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और फिर आप उसी हिसाब से अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करें। बहुत बार पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि माँ कौन सी ऐसी चीज़ खाए जिससे बच्चे को गैस ना बने। देखिए ये थ्योरी बिल्कुल ही, इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो थ्योरी है ये। माँ के खाना कोई भी खाने से ऐसा नहीं होता कि बच्चे को गैस बनने लगे। हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, माएँ बहुत ही ज़्यादा मैलनरिश्ड हैं और फिर वो जो बच्चे पैदा करती हैं वो भी बिल्कुल पतले सुकड़े और बहुत लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। तो आप किसी भी तरह का डाइट रेस्ट्रिक्शन अगर माँ में करेंगे, जिस माँ ने अभी अभी बच्चा जना है और उसने अच्छा दूध अपने बच्चे को पिलाना है, तो ऐसे में अगर आप डाइट रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो बच्चे को अच्छा क्वालिटी का मिल्क नहीं मिलेगा, और अगर अच्छा क्वालिटी का मिल्क नहीं मिला तो शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों पे, बच्चे के आईक्यू पे, बच्चे की जो ग्रोथ है उस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और आगे चल के बच्चे का जो एक पोटेंशियल उसको रीच करना चाहिए बच्चा वो पोटेंशियल नहीं रीच कर पाएगा और मैलनरिश्ड होगा और तमाम तरह के उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज होंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि माँ के भी पोषण का आप भरपूर ध्यान रखें, ताकि माँ का जो दूध है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और बच्चे के साथ भी आप डॉक्टर के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहें और उससे अक्सर बात करते रहें कि क्या ये नॉर्मल है, क्या ये नहीं नॉर्मल है। तो इन सब साइंस को, लक्षण को आप पहचान करके अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अक्सर जो माँ को चीज़ें मना की जाती हैं वो यूजुअली प्रोटीन रिच होती हैं, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि माँ के खाना खाने से बच्चे को किसी भी तरह की गैस या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। विदेशों में इस तरह की कहीं कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे ही देश में इस तरह से है कि ये खाओ ये ना खाओ ऐसा खाओ। अगर ऐसे यूरोप और यूएस और कनाडा में जो माएँ आराम से सारा खाना खाती हैं, नॉनवेज खाती हैं, सब कुछ खाती हैं, तब तो उनके बच्चों का बड़ा बड़ा पेट होना चाहिए और खूब सारी गैस उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होनी चाहिए, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी कोई डाइट का रेस्ट्रिक्शन करें या आपके दिमाग में कभी कोई ऐसी बात आती है कि जी ये चीज़ खाने से क्या होता है, तो आप इस तरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी तरफ देखें और फिर जानें कि क्या वहाँ पे भी बच्चों को इस तरह की समस्या हो रही है, क्योंकि माएँ तो वहाँ सब कुछ खा रही हैं, मटन खा रही हैं, चिकन खा रही हैं, फिश खा रही हैं, अच्छी प्रोटीन डाइट ले रही हैं मदर्स वहाँ पे। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, जब भी आप डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करेंगे उसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा, बहुत ही दूरगामी उसके परिणाम होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि माँ को भी अच्छे से भरपूर पोषण दें और अच्छा भोजन खिलाएं जो प्रोटीन में अच्छा हो, इसके अलावा उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा हो, ताकि माँ को कोई कमी ना आए और उसका गुड क्वालिटी मिल्क निकले और बच्चा भी अच्छे से खाए पिए और वो भी बढ़िया से माँ का दूध अच्छी क्वालिटी का पाए और अच्छे से पनप पाए। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो मुझे खुशी होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगी। इसके अलावा मैं अपने क्लिनिक पे भी अवेलेबल हूँ, जिसका एड्रेस मैं शेयर कर रही हूँ, शाम को 5:30 से 7:30।
अगर आप मेरे को वीडियो कॉल से संपर्क करना चाहते हैं तो वो भी शाम को 5:30 से 7:30 आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टॉपिक्स लिखिए तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।